Hey guys and welcome back to the channel. So अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीवो के फ्रंट कैमरा से है जिसमें अभी वाइड एंगल लेंस लगा हुआ है. एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ. सो ये फ्रंट कैमरा पे अभी मैंने वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ है. सो अभी जो आपको वीडियो दिख रहा है इतना वाइड फ्रंट कैमरा से दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लेंस. एक बार मैं लेंस हटाता हूँ सो दैट आपको एक कंपैरिजन पता लग जाए कि विदाउट वाइड एंगल लेंस कैसा नॉर्मल फ्रंट कैमरा से. सो ये है विदाउट लेंस का जो आप व्यू देख रहे हो. सो आई थिंक फ्रंट कैमरा के वीडियो में तो ये वाइड एंगल लेंस काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप व्लॉगिंग करते हो स्पेशली. एक बार मैं दोबारा लगा देता हूँ. आई थिंक व्लॉगिंग के हिसाब से ये काफ़ी सही लग रहा है मेरे को बिकॉज अभी डिस्टेंस मेरा उतना ही है एंड स्टिल मैं काफ़ी ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा फ्रेम में ले सकता हूँ. अब कुछ और वीडियो एंड फोटो सैम्पल्स देखते हैं सी कि दोनों में कितना डिफरेंस आता है रियर कैमरा एंड वाइड एंगल लेंस में. तो यहाँ पे है मेरे पास तीन स्मार्टफोन्स. इन तीनों में वाइड एंगल कैमरा है और एक वाइड एंगल लेंस. सो इस वीडियो में मैं कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो मैं पिछले डेढ़ दो महीने से सोच रहा था करने का. बट अभी ये टाइम है कि मेरे पास काफ़ी ऐसे फ़ोन्स हैं रिव्यू के लिए जिनमें वाइड एंगल कैमरा है. सो इस वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाला हूँ. मैं वाइड एंगल कैमरा एक स्मार्टफोन में इसको कंपेयर करूँगा विद अ नॉर्मल कैमरा जो इसका नॉर्मल कैमरा होता है और उसमें वाइड एंगल लेंस लगा के देखेंगे कि वाइड एंगल कैमरा का ज़्यादा बेटर रिजल्ट है या नॉर्मल कैमरा में वाइड एंगल लेंस का बेटर रिजल्ट आता है. ये जो वाइड एंगल लेंस है ये स्काईविक का लेंस है. मेरे पास दो महीने पहले रिव्यू के लिए आया था. इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई थी वो आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि शार्पनेस और क्लैरिटी किसकी ज़्यादा बेटर थी स्मार्टफोन के वाइड एंगल कैमरा की या जब मैं नॉर्मल कैमरा में ये वाइड एंगल लेंस लगाता हूँ तो बेटर था या नहीं था. मैं यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स दिखा रहा हूँ सो दैट आप भी साथ साथ देख सको. मेरे हिसाब से अगर मैं क्लैरिटी की बात करूं सो ज़्यादा बेटर क्लैरिटी स्पेशली जो सेंटर में है वो नॉर्मल कैमरा में वाइड एंगल लेंस लगा के मेरे को लग रही है. अगर मैं यहाँ जूम इन करके भी दिखाऊं आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो. बट अगर मैं एजेस की बात करूं एजेस में क्या हो रहा है जब मैं वाइड एंगल लेंस को यूज़ कर रहा हूँ सो एजेस में अजीब सा सॉफ्टनेस तो नहीं मतलब बहुत अलग सा आपको यहाँ पे भी मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ. वाइड एंगल में क्या है कि सेंटर टू एज ऑलमोस्ट सेम सॉफ्टनेस है. मतलब अगर वाइड एंगल कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ तो इमेज सॉफ्ट है बट सेंटर और एज में ऑलमोस्ट सेम सॉफ्टनेस मेरे को मिलता है. वाइड एंगल में क्या है कि सेंटर में शार्पनेस है बट एजेस में आके एकदम अजीब सा इफेक्ट हो जाता है. सो ये एक चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ करी. अब दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो. उसके बाद डिस्टॉर्शन की अगर मैं बात करूं डिस्टॉर्शन अगर आपको नहीं पता क्या होता है फॉर एग्जांपल आप ये जो सैम्पल देख रहे हो यहाँ पे जो नीचे लाइन है वो आप दोनों कंपेरिजन्स देख सकते हो. यहाँ पे वाइड एंगल लेंस में डिस्टॉर्शन मेरे को ज़्यादा लगा और वाइड एंगल कैमरा में स्मार्टफोन में तो स्मार्टफोन कैमरास क्या करते हैं वो उसको कंट्रोल करके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रेक्टिफाई करके आपको एकदम प्रॉपर डिस्टॉर्शन काफ़ी कम डिस्टॉर्शन करके इमेजेस दे देता है. तो डिस्टॉर्शन के हिसाब से मेरे को स्मार्टफोन कैमरा की बेटर लग रहा है कंट्रोल डिस्टॉर्शन. उसके बाद मैं बात करूं कि दोनों में से वाइड इमेजेस किसकी आ रही हैं सो आप सैम्पल्स में भी इजीली देख सकते हो. स्मार्टफोन का जो वाइड एंगल कैमरा है वो हल्का वाइड है. तीनों फोन्स का ही मैंने देखा तीनों के ही वाइड हैं एज़ कम्पेयर टू 0.45x वाइड एंगल लेंस. सो अगर आपको ज़्यादा वाइड फ्रेम चाहिए सो यू कैन प्रेफर द स्मार्टफोन वाइड एंगल कैमरा बिकॉज इसमें आपको वाइड मिलता है बट उतना वाइड नहीं जितना स्मार्टफोन में है. उसके बाद लास्ट चीज़ जो मेरे को थोड़ा इस लेंस के थ्रू बेटर लगा वो है वाइड बैलेंस और टेम्परेचर. बिकॉज हर स्मार्टफोन में मैं इन तीनों में भी देखा है और फोन्स में भी देखा है वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते ही जो ऑल ओवर टेम्परेचर है वो काफ़ी वार्म हो जाता है इमेजेस येलोइश आने लग जाती हैं. बट नॉर्मल कैमरा यूज़ करके जब आप वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हो उस केस में आपका नॉर्मल कैमरा चल रहा है सो वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल रखता है आपका वाइड बैलेंस और जो क्लोज टू नेचुरल टोन्स हैं इमेज में वो प्रोड्यूस करता है. तो अगर ये आपके लिए एक फैक्टर है जो आप कंसिडर करते हो उस सिचुएशन में मैं प्रेफर करूँगा वाइड एंगल लेंस. अब इन तीनों में जो वाइड एंगल कैमरा का रेजोल्यूशन है वो 5 से लेकर 8 मेगापिक्सल के बीच में है बट नॉर्मल कैमरा का रेजोल्यूशन
16 मेगापिक्सल के आसपास है अगर मैं एवरेज करूं। सो आप देखो 5 या 8 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल में कितना डिफरेंस है। तो अगर मैं फोटो क्लिक कर रहा हूं वाइड एंगल कैमरा से तो मेरे को 5 या 8 मेगापिक्सल की फ़ोटो मिल रही है फ़ोन में, बट अगर मैं नॉर्मल कैमरा से वाइड एंगल लेंस लगा के शूट करता हूं तो मेरे को 13 या 16 मेगापिक्सल जो भी आपके फ़ोन में होगा उस रेजोल्यूशन की इमेज मिलेगी। अब ये यूज़फुल हो सकती है अगर आप क्रॉपिंग करना चाह रहे हो या आपको प्रिंट्स निकालने हैं या आपको ऑल ओवर इमेज में रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे बेटर रहेगा आप नॉर्मल कैमरा में वाइड एंगल लेंस यूज़ करके शूट करो। सो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो अगर मेरे को वाइड ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वाइड सीन चाहिए और मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ इमेज क्वालिटी शार्पनेस पे, देन आई वुड गो फॉर अ स्मार्टफोन जिसमें वाइड एंगल कैमरा है। बट अगर मेरे को चाहिए कि मेरी इमेज ऑल ओवर शार्प रहे और अच्छी डिटेल्स हो और अगर आप एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा वर्क करते हो, सो मैं प्रेफर करूँगा नॉर्मल कैमरा में एक वाइड एंगल लेंस को यूज़ करूँ। ये था एक कंपैरिजन। आप मेरे को कमेंट करके बताना आप क्या प्रेफर करोगे, एक वाइड एंगल वाला स्मार्टफोन या एक वाइड एंगल लेंस अपने नॉर्मल कैमरा में। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़, कमेंट करके बताना। इसी तरह मैं आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा और अगर आप स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करते हो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इस तरह की वीडियोस मैं करता रहता हूँ। एनीवेज हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।